हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो लगभग 7 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 2% की तेजी लगाता हुआ आज के दिन नजर आया। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे के दिन इस स्टॉक में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में आपको क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस कहाँ ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले आपको हम टेक्निकल चार्ट के लिए चलने कि इस स्टॉक में किस तरह के कैंडल स्टिक बनती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक में कुछ इस प्रकार का कैंडल स्टिक बनती हुई नजर आ रही है। इस स्टॉक में एक ऊपर के लेवल सपोर्ट लेवल से एक गिरावट देखने को मिली, जहां पे 408 रुपए के टारगेट के बाद में इसमें एक नीचे की गिरावट देखने को मिली। और अगर अभी हम देखें तो स्टॉक 393 रुपए पे प्राइस पर ट्रेड कर रहेगा। इसका जो एक स्टॉप लॉस निकल के आता है इस स्टॉक में, जो कि 380 रुपए का एक बड़ा स्टॉप लॉस है। और दूसरा, अगर हम पास के स्टॉप लॉस देखें तो 387 रुपए आज का ही ओपनिंग का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं और आने वाले समय में स्टॉक में आपका 408 रुपए तक की टारगेट देखने को मिल सकता है। एग्रीकल्चर में आपको गवर्नमेंट की तरफ से छूट देखने को मिलेगी, वहाँ से आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू है तो 430 और 750 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म का व्यू लेना पड़ेगा। और आने वाले समय में बड़ा रिटर्न बनता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छी